अस्सलाम वालेकुम माय व्यूवर्स, होप यू ऑल डूइंग वेल। मैं हूँ मलाइका और आप देख रहे हैं मलाइका फूड सीक्रेट्स। आज मैं आप लोगों से शेयर करूँगी एकदम आसान तरीके से बिना करवाहट के करेले की रेसिपी, और ये करेले की रेसिपी खा के आपको एकदम मज़ा ही आ जाएगा। तो वीडियो को एंड तक देखें, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। वीडियो पसंद आने पर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन ऑन करें। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर हम सबसे पहले ले लेंगे 2 किलो करेले, और इन करेलों को हमने छुरी की हेल्प से पील ऑफ कर लेना है। तो यहाँ पे अगर आपके पास पिलर है तो उसकी हेल्प से भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसकी जो जिल्द होती है उसको छुरी की हेल्प से थोड़ा सा खुरच के निकाल लेंगे। सारे करेले को साफ़ करने के बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों एंड्स को हमने काट लेना है और इसको हम कर लेंगे साइड पर। और इसके बाद करेले के दरमियान में हमने एक चीर लगा लेना है, कट कर लेना है, और बिल्कुल डीपली कट नहीं करेंगे वरना दोनों साइड से ये कट जाएगा। तो यहाँ पे एक ही साइड से हम एक ही सीध में हमने कट कर लेना है। फिर उसके बाद जो इसके अंदर बीज होते हैं उसको हमने अच्छे से निकाल लेना है, बिल्कुल भी एक अदद भी बीज नहीं होना चाहिए। तो सारे बीज को हमने अच्छे से निकाल लेना है। करेले में से सारे बीज को रिमूव करने के बाद अब हम क्या करेंगे, सेम तरीके से बाकी सारे करेले की सफाई कर लेंगे। पहले ऊपर वाली लेयर निकालेंगे, फिर उसके बाद हमने कट करके इनके दरमियान वाले बीज निकाल के साइड पे कर लेना है। फिर उसके बाद यहाँ पे हम ले लेंगे 1 कटोरी में नमक, और इस नमक को हमने एक एक करेले पे अच्छे से लगा लेना है 1-1 टीस्पून के करीब। तो यहाँ पे पहले हम अंदर लगाएंगे नमक को अच्छे से लगा लेना है, फिर उसके बाद ऊपर भी हमने लगा लेना है नमक को। नमक लगाने से ये होगा जो हमारे करेले हैं वो बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनेंगे। जो कड़वास है इसे हम रखेंगे ना 2 से 3 घंटे के, तब जाके नमक की वजह से हमारे जो करेले हैं उसमें से कड़वापन निकल जाएगा। तो यहाँ पे सारे करेलों पे नमक लगा लेने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसको रख देंगे 2 से 3 घंटे के लिए, ताकि नमक के ज़रिए करेलों का कड़वापन दूर हो जाए। तो उसके लिए हम इसे रख देंगे 2 से 3 घंटे के लिए। और जब यहाँ पे 2 से 3 घंटे गुजर जाएंगे तो हम क्या करेंगे, करेलों को हमने हाथ से प्रेस कर लेना है। तो जब करेले का पानी रिलीज़ होने लगेगा, जब करेले जूसी हो जाएंगे, तो इसका मतलब ये है कि करेले एकदम तैयार है। 2 से 3 घंटे बाद ये देखें एकदम इसका जो कड़वापन है वो इसके पानी में ही निकल जाएगा। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, एक एक करेले को हमने इस तरीके से हाथ में ले कर प्रेस कर लेना है और इसका पानी हम रिमूव कर देंगे। तो यहाँ पे इसी तरीके से बाकी सारे करेलों का हमने पानी निकाल के निचोड़ना है। तो यहाँ पे सेम तरीके से बाकी सारे करेलों को हम निचोड़ लेंगे। यहाँ पे मैंने आपको एक टिप बता दिया है कि करेलों को हमने कैसे नमक में डाल के निचोड़ना है। तो यहाँ पे दूसरा स्टेप हमारे पास ये है कि हम क्या करेंगे, इन करेलों का पानी निचोड़ लेने के बाद सारे करेलों को हमने डाल देना है साफ़ पानी में, और उसके बाद नल के नीचे हमने 3 दफ़ा अच्छे से करेलों को निचोड़ निचोड़ के पानी में अच्छे से साफ़ कर लेना है। इससे क्या होगा, हमारे जो करेले का कड़वापन है वो एकदम दूर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, साफ़ पानी से 3 दफ़ा हमने अच्छे से धो लेना है इसको। तो यहाँ पे करेलों को 3 पानी से धोने के बाद इसको हमने हाथ से इनका पानी निचोड़ के साइड पे कर लेंगे। साइड पे करने के बाद यहाँ पे छुरी की हेल्प से हम इसे नॉर्मल साइज़ में कट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने जितना आपको छोटा बड़ा साइज़ चाहिए करेले का उसके हिसाब से आप कट कर सकते हैं। करेलों को कट करने के बाद यहाँ पे हम लेंगे एक पतीला, उसमें डाल देंगे 1 कप से कम ऑयल। ऑयल यहाँ पे हमारा नीम गरम है, फ्लेम को यहाँ पे मैंने मीडियम टू लो रखा है। मीडियम टू लो फ्लेम पे इन करेलों को हम डाल देंगे ऑयल में। और अब हम क्या करेंगे, करेलों को हमने अच्छे से लाइट गोल्डन होने तक फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पर हमारे पास तीसरा टिप ये आता है कि हमने इसको अलग से ऑयल में फ्राई करना है अच्छे से। तो यहाँ पर जो हमारे करेले हैं वो एकदम लाइट गोल्डन हो गए हैं, और इस तरीके से हो लेने के बाद अब हम क्या करेंगे, इन सारे करेलों को निकाल लेना है हमने किसी प्लेट में, और सेम तरीके से बाकी और करेलों को भी हमने फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पे सारे करेलों को मैंने यहाँ पे फ्राई कर लिया है। तो यहाँ पे मैंने सारे करेलों को फ्राई कर लिया है और पतीला एकदम खाली है। उसी ऑयल में हम डाल देंगे 3 अदद मीडियम साइज़ की प्याज। प्याज को यहाँ पे मैंने नॉर्मल साइज़ में स्लाइस में कट कर लिया था, बिल्कुल भी बारीक नहीं कट करेंगे। और अब हम क्या करेंगे, इन प्याज को हमने सॉफ्ट होने तक फ्राई करना है, ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करेंगे वरना जो प्याज का मीठापन है वो दूर हो जाएगा, जिसकी वजह से जो हमारे करेले हैं उनमें मिठास नहीं आएगी। तो इसीलिए हमने पहले गोल्डन ब्राउन नहीं करना, पहले सॉफ्ट होने तक फ्राई करना है। तो यहाँ पे जो प्याज है वो एकदम सॉफ्ट है, थोड़ा सा कलर दे देगी, ज़्यादा नहीं देना, बस थोड़ा सा सॉफ्ट होने से गोल्डन कलर दे देना है। तो यहाँ पर जो प्याज है वो एकदम सॉफ्ट से गोल्डन कलर हो गई है, ज़्यादा गोल्डन कलर नहीं, हल्का गोल्डन, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं बिल्कुल इसी तरीके का होना चाहिए। तो यहाँ पे प्याज एकदम परफेक्ट से तैयार है। अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर।
तीन से चार अदद मीडियम साइज़ की, जिसको मैंने नॉर्मल साइज़ में कट कर लिया है। तो यहाँ पे टमाटर को हमने चंक्स में ऐड करना है ताकि ज़ायका और भी अच्छा आए। अगर आप ग्रेट करके ऐड करेंगे तो टमाटर में वो टेस्ट नहीं आएगा। तो यहाँ पे जो टमाटर है वो अच्छे से भुन गया है, थोड़ा सा चम्मच से मैश करके इसे अच्छे से और ऑयल सेपरेट होने तक पकाना है। तो यहाँ पे हमने टमाटर को चम्मच से थोड़ा सा मैश कर लेना है। यहाँ पे जो टमाटर है वो अच्छे से भुन गया है, अब हम इसमें डाल देंगे स्पाइसेस। तो सबसे पहले नमक जाएगा 1 टीस्पून, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए। तो यहाँ पे हल्दी गई है 1/2 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून। ये मसाले आप अपने जायके के मुताबिक डाल सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, फ्लेम को यहाँ पे मैंने मीडियम टू लो रखा है, तो यहाँ पे नॉर्मल फ्लेम पे हमने इसको मैश करते रहना है और मसालों को हमने 1 से 2 मिनट के लिए ग्रेवी में पका लेना है ताकि मसालों का कच्चापन दूर हो जाए। तो यहाँ पे टमाटर का ऑयल एकदम अच्छे से सेपरेट हो गया, मसालों को भी 1 से 2 मिनट हो गए। अब हम इसमें डाल देंगे फ्राई किए हुए करेले और उसके बाद हम करेलों को इस ग्रेवी में अच्छे से मिला लेंगे। यहाँ पे एक और अहम टिप ये है, जो करेले हैं उनको हमने ग्रेवी में 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे रख देना है ताकि करेलों में जो मसाला है ग्रेवी का वो एकदम अच्छे से एब्जॉर्ब हो, टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा है करेलों में। तो इसीलिए यहाँ पे 5 मिनट हो गए पूरे, थोड़ा सा धनिया पत्ती इसके ऊपर ले लेंगे, इसे निकाल लेंगे किसी प्लेट में। तो अगर आपको मेरी इस वीडियो में कुछ भी अच्छी चीज़ सीखने को मिली हो तो सब्सक्राइब के रेड बटन को क्लिक करें, साथ में बेल आइकन को ऑन करने से जब भी मैं न्यू मज़ेदार वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको सबसे पहले देखने को मिलेगी। साथ में लाइक कर दें, कॉमेंट करें, शेयर करना मत भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखें।